नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइट, मैं प्रगति आपके साथ। और अभी हम अटल पथ के महेश नगर में उपस्थित हैं और यहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी कि वो पैदल रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ऐसे करने से काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही थी, तो यहाँ पे एक फुट ब्रिज का निर्माण किया गया है जिसका उद्घाटन 20 सितंबर को नितिन नवीन ने किया। और हम आपको बता दें कि 3.44 करोड़ के लागत में ये पुल बना है, लेकिन ये जो लिफ्ट है, जो सरकार का कहना है कि दिव्यांग के लिए है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए लिफ्ट का निर्माण किया गया है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिफ्ट बंद है। जैसा कि हम आपको नीचे दिखाएं कि लिफ्ट जो बना है अभी वो नहीं चल रहा है, किसी कारणवश वो बंद हो गया है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये पुल का उद्घाटन हुए महज 4 दिन हो रहा है। 20 सितंबर को इसका ओपनिंग हुआ था, लेकिन अभी 4 दिन के अंतराल में ही ये लिफ्ट अचानक से बंद हो जाता है। अब क्या प्रॉब्लम है, बता सकते हैं कि ये जब उद्घाटन हुआ था तब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, 2-4 दिन हुआ हमको काम करते हुए। अच्छा, 2-4 दिन हो गया, तो 2-4 दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था। हाँ। तो ये लिफ्ट तभी से बंद है? नहीं, बस 1 दिन के लिए चालू हुआ था, अभी उसमें कुछ काम था जो ओपनिंग के लिए कुछ यदि कर दिए थे, चालू करवा दिए थे, लेकिन उसमें कुछ काम है उसमें, ठीक है। वो एथी का कनेक्शन है, वो वायर लोग एथी का है, बोले मिस्त्री लोग बोल रहे हैं कि अभी चालू नहीं होगा, ठीक है। तो सर, आप यहाँ पे मतलब 12 घंटा 24 घंटा कितने घंटे तक का ड्यूटी? 12 घंटे तक का। तो आप सुबह की कितने बजे आते हैं? 8 बजे। और यहाँ कितने बजे तक का आपका ड्यूटी? 8 बजे तक। 8 बजे तक, तो 8 बजे के बाद क्या ये पुल पे कोई नहीं रहता है? दूसरा कोई गार्ड रहता है। यहाँ पे कुछ अंकल लोग हैं, तो हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। अंकल जी, जैसा कि आपको पता है कि ये पुल जो बना तो 3.44 करोड़ रुपये में बना ये पुल, तो आपको क्या लगता है कि ये पुल बनना ज़रूरी था या नहीं? देखिए, समाज के लिए, हर वर्ग के लिए पुल बनना बहुत ज़रूरी था। काहे कि आने जाने में हर आदमी को कठिनाई होता है, काफ़ी। अब सड़क बन गया, सड़क कैसे आदमी जाएगा, बुजुर्ग महिलाएं कैसे जाएगी, इसलिए इतना ज़रूरी था बनना। तो सर, अभी आपको कैसा लग रहा है, ये पुल बन गया तो अब आप कैसा लग रहा है? पुल बन गया तो अच्छा है, लेकिन लिफ्ट बन जाएगा ना, तैयार हो जाएगा, तो इससे भी अच्छा हो जाएगा कि कुछ बुजुर्ग लोग के, महिलाएं चाहे पुरुष के लिए अच्छा हो जाएगा, आराम हो जाएगा, हर आदमी आराम चाहता है। जैसा कि यहाँ के लोगों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पुल को बन जाने के बाद कितना ज़्यादा ये लोग उत्सुक हैं, कितना खुश हैं। और आप हमारे पीछे में देख सकते हैं कि यंग जनरेशन के जो भी लड़के हैं तो यहाँ पे आकर फ़ोटो शूट कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो और नीचे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना अच्छे से। ये पटना में ऐसा फुट ब्रिज है, ये पहला फुट ब्रिज है जो इतना खूबसूरत है। ये जब पुल नहीं बना था तब यहाँ पे दुर्घटनाएं होती थी काफ़ी ज़्यादा। हाँ, महिलाएं को तो और होती थी रोड क्रॉस करने में, सारे बच्चे भी यहाँ से क्रॉस करते थे, साइकिल से भी, ऐसे भी, और ऊपर से तो फिर लेट हो जाता था, तो फिर हम लोग को रोड क्रॉस करने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। अभी तो बहुत सुविधा है हम लोग को जाने में इधर से, और फिर लिफ्ट बन गया तो लिफ्ट से भी तो और भी अच्छा है हम लोग को आने में जाने में। तो सर, अभी लिफ्ट ऑन नहीं हुआ है? अभी नहीं ऑन हुआ है, ऑन कुछ दिन में हो ही जाएगा, सब उसका भी काम चल ही रहा है अभी। कि पटना में जब भी कुछ नया होता है तो लड़के और लड़कियों का, मीन्स कपल का, ज़्यादा भरमार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ऐसी अश्लीलता वाली चीज़ें भी सामने आ सकती है? वो तो अभी तक तो ना दिखा, बट कपल्स तो आते हैं, घूमते हैं, बस फिरते हैं, जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए? हाँ, ये भी अश्लीलता के लिए तो होना चाहिए। सिर्फ अश्लीलता के लिए ही होना चाहिए या फिर लड़कियों की सुविधा के लिए भी होना चाहिए? हाँ, उसके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी ये सब रेप केस और भी बहुत छेड़छाड़ की कहानियाँ जो सामने आ रही है, स्पेशली बिहार की बात करें तो बिहार में काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हर चीज़ सुविधा है, फुटब्रिज बन गया है, लोगों को आने जाने में जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी वो सब कम पड़ गई हैं। तो यहाँ पे बस एक चीज़ की कमी है, वो है सीसीटीवी कैमरा की। अभी हम लोग भी यहाँ पे आए तो बहुत सारे कपल जो थे तो यहाँ से आना जाना कर रहे थे, बहुत, मीन्स बिहारी भाषा में कहें तो हुड़दंग मचा रहे थे।
ऐसे लोगों के लिए सीसीटीवी कैमरा होना बहुत ज़रूरी है, जो और लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। इसके लिए सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रात में सीसीटीवी कैमरा काम करे और लिफ्ट भी काम करे, जो सबको मदद दे सके। हम आगे का अपडेट देते रहेंगे, देखते रहें न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।